चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदार की नैब पेशी, नैब हेडक्वार्टर्स आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। नादरा चौक से आगे मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये मामला है जिस हवाले से आपको आगाह करें, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और जिए भुट्टो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए, जिसके बायस मीडिया भी वहाँ पर नहीं जा पा रहा। ये तमाम सूरत हाल है जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर के ये मनासिर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब पेशी, नैब हेडक्वार्टर्स आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ नादा चौक से आगे मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि कारकुनान जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो के हक़ में। जिए भुट्टो के नारे लगाए जा रहे हैं। नादा चौक से आगे मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बिलावल भुट्टो आज पेश होंगे। बात करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं जीशान भट्टी। जीशान भट्टी, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल, कारकुनान मौजूद हैं लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा आगे। जी बिल्कुल, नादरा चौक की अगर बात की जाए, नादरा चौक को तो मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे डी चौक के मकाम पे मौजूद है, जहाँ से एक रास्ता नैब हेडक्वार्टर्स को जाता है, जहाँ से मुमकिन तौर पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहीं से गुजरना है। और उनका काफिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा जियालों की गाड़ियों के हमरा अपने जरदारी हाउस से रवाना हो चुका है और कुछ ही देर बाद वो यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ से आगे जो पुलिस की हिकमत अमली है वो ये है कि सिर्फ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा और जियालों को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इस वक्त अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको बताऊं तो मेरे कब में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस यहाँ पे खड़ी है और नाके भी लगाए गए हैं, ब्लॉक भी लगाकर सड़क को बंद किया गया है। वाटर कैनन यहाँ पे रेडी कर दी गई है, साइड पे खड़ी थी, लेकिन उसको जो इन पुलिस को इतला मिली है कि बिलावल भुट्टो रवाना हो चुके हैं, तो वाटर कैनन को भी यहाँ पर रेडी कर दिया गया और IG ने भी यहाँ पर दौरा किया और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया कि बिलावल भुट्टो यहीं से जो ही गुजरेंगे तो उनके जाले जो उनके हमरा है उनको किसी सूरत भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर दीगर जगहों के हवाले से मैं आपको आगाह करूं तो नादरा चौक के अतराफ में ब्लॉक लगाकर जो जितने भी शराय आ रही हैं उनको बंद किया गया है। सिर्फ जो सरकारी दफातर इस शराह पे मौजूद हैं वहाँ के मुलाजमीन को कार्ड देकर अंदर आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर शहरी हैं या आम अफराद हैं उनका दाखिला बंद है और लोग कई किलोमीटर पैदल चल के जो है वो इन इलाकों में पहुँच रहे हैं, क्योंकि सड़कें तमाम जो नादरा चौक और नैब हेडक्वार्टर के अतराफ में मौजूद हैं वो बंद हैं। इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला जो है कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचेगा और यहीं से मुमकिन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी ने। सगीर चौधरी, जिस तरह से निशान बता रहे थे, सूरत हाल काफ़ी जो है अजीब बताई जा रही है कि वहाँ पर इतनी सख्त सिक्योरिटी कर दी गई कि वहाँ पर ना मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना ही वहाँ पर कारकुनान को जाने दिया जा रहा है। किस तरह से इंतजाम किए गए यहाँ पर? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। मैं इस वक्त नादरा चौक में मौजूद हूं और यहां पर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके इसको ब्लॉक किया गया है। 25 फिल्ट्रेशन पॉइंट बनाए गए हैं, यहां पर जो है वो पुलिस एहलकार नाका लगाकर खड़े हुए हैं और तमाम तरह एक्सेस जो है वो गाड़ियों की इस वक्त उन्होंने बंद की हुई है। जो रेड जोन है इस वक्त पूरा सील है और जो इस्लामाबाद पुराना हेडक्वार्टर है नैब का, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी अभी कुछ देर में पेश होने वाले हैं, उसके दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है जो कि नादरा चौक है और दूसरा रास्ता जो है वो डी चौक की तरफ से आता है और मुमकिन रास्तों में से किसी एक रास्ते पे जो है वो नादरा नैब हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस वक्त पूरे इस रेड जोन में तैनात हैं और नैब हेडक्वार्टर को तरफ जो है वो पुलिस ने घिराव कर रखा है और इसके अलावा 4 जो है वो हसार बनाए गए हैं, जिसमें इनर और मोस्ट इनर गार्डन है जिस पर रेंजर्स अपनी सिक्योरिटी के फ़रज़ सर अंजाम दे रही है। उस तरह आउटर और मोस्ट आउटर गार्डन जो हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी है। ये जो नाका है यहाँ पर भी पुलिस के ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं, SP यहाँ पर मौजूद हैं और जिसके अलावा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अभी कुछ सलाह मशवरे में मसरूफ़ है। इसी तरीके से आप पारा से पीछे तक जो है वो रास्ता बंद किया गया है, यानी 2 किलोमीटर तक का रेडियस जो है वो इस वक्त वहां पर नाके लगाए गए हैं। 25 ऐसे मकामात हैं यहां पर नाके लगाकर जो है वो उसको बंद कर दिया गया है, एक्सेस नहीं है बिल्कुल, लेकिन जियालों की जानिब से ये मैसेज दिया गया है कि वो यहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी की गुज़श्ता पेशी यहां पर हुई थी तो उस दौरान कुछ जियाले जो है वो यहां पर आए थे, पुलिस ने धक्कम पेल की थी, लेकिन वो यहां तक पहुंचने में
कामयाब हुए थे। तो इस तरह स्ट्रेटजी ये है कि जयालों को जो है वो रेड जोन के अंदर ही इंटर होने ना दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कैदी वैनें भी खड़ी हुई हैं, अगर यहाँ पर कुछ जयाले आते हैं तो फिर उनकी मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी होंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा मुख्तलिफ मैजिस्ट्रेट जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद हैं। तो कुछ ही देर में बिलावल भुट्टो जरदारी उपल जेवी केस में यहाँ पर नैब हेडक्वार्टर में कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम का सामना करेंगे। उनको एक सवालनामा भी आज दिए जाने का इम्कान है, चूँकि आज आसिफ अली जरदारी ने भी पेश होना था लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी की वजह से वो आज यहाँ पर पेश नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पेश होंगे। एक ही गाड़ी जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आज पेश होने जा रहे हैं। सगी चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया रोजीना ने भी। रोजीना आप बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल क्या है? देखिए इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद जरदारी हाउस के बाहर ही मौजूद हूँ। कुछ लम्हे कबल जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नैगी से कबल यहाँ पर सिचुएशन टोटली एक डिफरेंट थी और मेरे अतराफ में जो तीनों सड़कें हैं ये जियालों से भरी हुई थी, लेकिन इस वक्त जियाले नज़र नहीं आ रहे क्योंकि तमाम तो जो जियाले यहाँ पर जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुँचे थे वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ही नैब रवाना हो चुके हैं। जियालों ने किसी भी लम्हे अपने चेयरमैन का साथ नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की और वो जिए भुट्टो के नारे लगाते रहे। और हमने देखा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस इस्लामाबाद से बाहर निकल रहे थे हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त नाज़रीन आप देख भी सकते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नैब हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और यहां पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल जो है अपने साथ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पहुँच गए नैब हेडक्वार्टर। सख्त तरीन इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के और ना ही नैब के दफ्तर के करीब जाने दिया गया मीडिया को और ना ही कारकुनान को। बहुत 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो रोक दिया गया और इसके साथ साथ वहां पर सूरत हाल ये थी कि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस तमाम इलाके को, जिसके बायस ना ही कारकुनान करीब जा सके नैब हेडक्वार्टर्स के ना ही मीडिया को जाने दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी नैब हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं। जीशान हमारे साथ हैं, जीशान बताएगा इस हवाले से जो काफिला आया था वो यहाँ पे पहुंच गया है जो क्रॉस कर है और यहीं से इनकी गाड़ियां जो हैं एकदम गाड़ियों को उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियों को उनके साथ जाने दिया गया। लेकिन अगर मैं कैमरा मैन इसमाइल आपको दिखा सकते मेरे कप में तो जियालों को गाड़ियां जो थी उनके साथ उनको डी टॉक से रोक दिया गया है। बिलावल भुट्टो की भी गाड़ी और उनके साथ जो उनके प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी की गाड़ियाँ थी उनको आगे जाने दिया गया है और उनकी गाड़ियाँ यहाँ से आगे रवाना हो चुकी हैं और नैब हेडक्वार्टर्स में जैसे बिलावल भुट्टो और उनकी सिक्योरिटी को जाने दिया गया और डी टॉक से जो जैसा कि अहकाम जारी किए गए थे पुलिस क्योंकि जालों को यहाँ से आगे नहीं जाने देना तो यहाँ पे जालों को डी चौक में रोक दिया गया। फिर बिलावल भुट्टो को आगे जाने की इजाजत मिली और बिलावल भुट्टो नैब हेडक्वार्टर तकरीबन पहुंचने वाले हैं, वो पहुंच चुके होंगे क्योंकि यहाँ से 1 मिनट की मुसाफत पे नैब हेडक्वार्टर का दफ्तर मौजूद है और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पुलिस खड़ी थी और काफी ज्यादा यहाँ पे रुकावट बनाई गई थी और वाटर कैनन भी यहाँ पे मौजूद थी मुमकिन तौर से किसी तसादम से बचने के लिए और जालों को रोकने के लिए यहाँ पे अलर्ट हो गई थी पुलिस। तो अब जालों को पुरामन तरीके से पीछे रोक दिया गया है। जाले काफी बड़ी शराब में चेयरमैन के साथ यहाँ पे पहुंचे, नारे लगा रहे हैं, काफी ज्यादा झंडे उठाए हुए और पुलिस काफी ज्यादा हाई अलर्ट है और उनको कोशिश चाहिए है कि डी चौक में रोका जाए लेकिन अभी जालों की जानिब से डी चौक दूर करने की भी कोशिश की जा रही है लेकिन पुलिस ने उनको आगे आने नहीं दे रही और वहीं से उनको रोकने के लिए इकदाम है कि डी चौक से आगे किसी सूरत जालों को नहीं आने देना। तो जियाले इस वक्त डी चौक में मौजूद है जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नए हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। बताया कि बिलावल भुट्टो पहुंच गए, उनके हमरा कौन कौन है, पार्टी के कारकुनान तो बाहर रोक दिए गए, क्या लीडर में जो कोई साथ आया? जी अगर बात करें रहनुमाओं की तो सिर्फ 3 गाड़ियां जो थी बिलावल भुट्टो जरदारी की वो यहाँ से जाने दी गई और उनके साथ जो सीओजी थी वो भी उन्हीं गाड़ियों में मौजूद थे। ज्यादातर रहनुमाओं को भी पीछे रोका गया है क्योंकि रहनुमा जिसमें जियालों के साथ उनको लीड करते हुए आ रहे थे तो रहनुमा भी पीछे कुछ गाड़ियों में मौजूद हैं और सुबह भी देखने को ये मिला था कि जरदारी हाउस में जाने से भी रहनुमाओं को रोका गया था। तो अभी भी यहाँ पे ज्यादातर रहनुमाओं को बीच चौक पे रोका गया है, सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियों के यहाँ से आगे जाने दिया गया और जियालों की गाड़ियां जो है वो डी चौक पे रोकी गई और जियाले भी इस वक्त डी चौक पे मौजूद है और किसी भी एक जियाले को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया। सही जिशान जो सूरत हाल है और क्या किसी किस्म के तसादों का खतरा तो नहीं है क्योंकि कारकुनान तो बिल्कुल जो है पुरसकून है और नारे लगा रहे हैं सिर्फ हक में और किसी किस्म का तो जो है इश्तियाल नहीं दिखाया गया, लेकिन क्या जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी अपनी जगह पर ही हैं या फिर वो भी कहीं आगे तो नहीं जा रहे?
झंडे उठाए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं अपने चेयरमैन के हाथ में, और पुलिस आगे उनको रोकने के लिए रेडी हो गई है। जालों को आप पुलिस रोकेगी, जाले भी चौके मौजूद थे लेकिन जालों की जाने से ये कहा जा रहे हैं। चेयरमैन के साथ इजारे जो प्रैक्टिकली यहाँ पे हैं वो नैब हेडक्वार्टर से बाहर भी जाएंगे, लेकिन दूर से आपको बताऊँगा कैनन की इस्तेमाल कर दी गई है, और पुलिस की जानेब से लगता यही है कि साकेत का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके वाटर कैनन को रेडी कर दीजिए। अगर मैं कैमरा मैंने फाइल आपको दिखाए तो आप ये सारे देख सकते हैं कि वाटर कैनन को आगे लेके जाया जा रहा है और पुलिस आगे मौजूद है और जालों को यहाँ पे रोकने का अहकाम उनको दिए गए हैं। किसी सूरत भी यहाँ से जालों को आगे नहीं जाने दे रही। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा सभी चौधरी, आप बताएगा इसमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप। जी, इस वक्त नादरा की चौक की जो सूरतहाल है वो बिल्कुल यहाँ पर खामोशी है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने यहाँ पर 3 से 4 रुकावटें खड़ी करके इस पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद जो कारकुन है इस रास्ते से जो है वो जहाँ पर यहाँ पर नैब का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा अभी बज़ाहिर नहीं लगता चूँकि बहुत वक्त गुजर चुका है और जो जाले थे उनकी एक्सेस जो है वो पुलिस ने रोक रखी है और पुलिस अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुई है, क्योंकि 25 ऐसे मकामात हैं शहर के मुख्तलिफ जिनको कॉर्डन किया गया है, वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात है और इस वक्त यहाँ पर नादरा चौक में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आज जो है वो पहली मरतबा पुलिस ने मीडिया को भी नैब का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर नहीं दी, और पैदल जाने के लिए भी जो है वो मीडिया के नुमाइंदे जो थे उनको एक्सेस नहीं दी गई, वो यहाँ पर नादरा चौक तक ही महदूद हैं। इसी तरह जो सरकारी दफातर में जाने वाले लोग हैं उनको पैदल जाने की इजाज़त है, वो भी अपना वो अगर सर्विस कार्ड दिखाएंगे तो फिर ही वो अपने दफ्तर पहुंच पाएंगे, मीलों मुसाफत तय करके इस शदीद मौसम में। हमारे साथ ही रहिएगा सकीर चौधरी, जिस तरह से निशान आप भी देख रहे हैं सूरत हाल, आके पीछे कारकुनान भी और तमाम सिक्योरिटी के इदारे आमने सामने हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं इस वक्त? ज़ीशान हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं और तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, और साथ साथ सगीर चौधरी, नाज़रीन आप मनाज़िर देख सकते हैं, इस वक्त सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो वहाँ पर तैनात किए गए बड़ी तादाद में, इसके साथ साथ कारकुनान भी पहुँचे अपने कायद बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करने के लिए, और नैब पेशी थी जिस पर आज जो है उनको बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर कारकुनान को बहुत पीछे ही रोक दिया गया, ना ही मीडिया को जाने दिया गया, और ये हम देख भी सकते हैं पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई है, और कारकुनान जो थे बिल्कुल पुरअम थे लेकिन उनको पकड़ना शुरू कर दिया गया, और ये आप देख भी सकते हैं पुलिस एहलकार सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस वक्त कारकुनान को पकड़ रहे हैं और पुलिस वैंस के अंदर डाल रहे हैं। ज़ीशान आप बताएगा क्या सूरत हाल है? निशान से भी हम रابطہ कर रहे हैं, आप ये मनाज़िर देख सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से कारकुनान पुरअम थे लेकिन वहाँ पर पुलिस एहलकार और इसके साथ साथ दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको तैनात किया गया, उनके साथ जो है इस वक्त धक्कम पेल का सिलसिला शुरू हो चुका है, और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो इस वक्त मौजूद थे लेकिन वहाँ पर पुरअमन जो है नारेबाजी की जा रही थी, किसी किस्म का इश्तियाल नहीं दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने एक बार फिर पकड़ धकड़ शुरू कर दी और कारकुनान को पकड़ कर पीछे धकेला गया, इसके साथ साथ पुलिस वैंस में भी डाला गया है। ज़ीशान बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी डी चौक में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जियालों की गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है, जो खवातीन जियालियां भी यहाँ पे पहुंची थी उनको खवातीन पुलिस अलकार गिरफ्तार कर रही है, जबकि जो जियाले थे उनको कैदी वैंस में प्रिजन वैंस में डाला जा रहा है, जियालों को यहाँ से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है और पुलिस जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है और लाठी भी उठाई हुई है उन्होंने और लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, जियालों को यहीं पे रोका जा रहा है और किसी किस्म की उनको इजाजत नहीं है यहाँ से आगे जाने की, तो पुलिस यहाँ से गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर चुकी है और जालों को कैदी वैंस में यहाँ पे डाला जा रहा है और वाटर कैनन भी यहाँ पे मौजूद है और उसको भी अलर्ट कर दिया गया और सूरत हाल कशीदा होने की सूरत में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी गिरफ्तारियां चूंकि सिर्फ अमल में लाई गई है और रहमान मलिक भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने सारे यकजहती के लिए जालों के साथ, तो वो भी डी चौक में मौजूद है और पैदल ही रहमान मलिक और कृष्णा कुमारी और दीगर जो रहनमा है वो पैदल ही डी चौक की जानेब रवाना हो गए, लेकिन जियालों को रोका जा रहा है और खवातीन जियालियां भी जो यहाँ पे मौजूद है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन जियाले